तुम दरवाजा मत खोलना। ताना तुम बिल्कुल दरवाजा मत खोलना। अगर दरवाजा खोलोगी तो अपनी जान खतरे में डालोगी। जान खतरे में डालूंगी? कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है ये सब जमुना? अभी इतने सवाल क्यों कर रही हो मुझसे? मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए दरवाजा मत खोलना। मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? मैं भरोसा नहीं करती हूँ तुम पर। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। तान्या, जमुना कभी झूठ नहीं बोलती। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। कौन कौन है बाहर? बोलो, खोलो दरवाजा। खोलती हो या नहीं? दरवाजा खोलो, तोड़ दो ये दरवाजा। बाहर कुछ आदमी दरवाजा खोलने की धमकी दे रहे हैं। वो लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाजा मत खोलना तान्या, दरवाजा मत खोलना। दरवाजा खोलते ही वो लोग तुम्हें क्या मार डालेंगे? वो मुझे मार डालेंगे ना मुझे? तुम ये सब कैसे जानती हो? कौन है इसके पीछे? मैं ये कैसे जानती हूँ ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं। जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो बस। मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती हूँ, इसलिए दरवाजा मत खोलना। किसी भी कीमत पर दरवाजा मत खोलना। दरवाजा खोलने पर वो लोग तुम पर हमला कर देंगे। कुछ भी हो सकता है। क्यों? आखिर तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? तुम क्यों मुझे बचाना चाहती हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। मैं उस राय परिवार की दुश्मन हूँ। तुम्हारे राय परिवार के मुखिया केदार राय को उसके सर को मिट्टी में मिला देना चाहती हूँ। उनके सर को मैं झुका देना चाहती हूँ। तुम लोगों का नुकसान करना चाहती हूँ मैं। ये सब जानते हुए भी क्यों तुम मुझे बचाना चाहती हो? क्यों बचाना चाहती हूँ बोलो? तुम्हें मैं बचाना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पापा मतलब मेरे ससुर जी के साथ तुम्हारा कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो क्या है। और मैं ये भी नहीं जानती कि तुम दोनों को एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे को इतना नापसंद करते हो? एक दूसरे पर इतना गुस्सा है? क्या हुआ था? ऐसा क्यों है तान्या? ओह, इसलिए बचाना चाहती हूँ मुझे। कहो। बचाऊंगी। तुम जानना चाहती हो केदार राय ने मेरे साथ क्या गलत किया था? क्या करोगी तुम जानकर बताओ? चली आओगी वो घर छोड़कर? साथ दोगी तुम मेरा? क्या करोगी तुम बताओ? जवाब दो, क्या करोगी? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि सावधान रहना और भूल से भी दरवाजा मत खोलना। अपना ध्यान रखना तान्या, होशियार रहना। साफ साफ बोलो जमुना, किसने इन्हें भेजा है? तुम बोलो जल्दी, किसने भेजा इन्हें? हेलो हेलो हेलो, दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। खोल दरवाजा। ए, खोलो दरवाजा। खोलो। किसने दरवाजा? खोलती हो कि नहीं? किसने भेजा होगा इन लोगों को? दरवाजा खोल। किसने भेजा है मुझे मारने के लिए? दरवाजा खोलो। कौन? दरवाजा खोल। चले जाओ यहाँ से तुम लोग, चले जाओ यहाँ से सब, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। दरवाजा खोल। चले जाओ। चल धमकी मत दे। चले जाओ यहाँ से जल्दी, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करके अभी बुला रही हूँ। जाओ। धमकी क्या देती है? दरवाजा खोल। हम नहीं जाएंगे, तुझे ये दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। एक बार दरवाजा खोल, फिर बताते हैं तुझे। खोल जल्दी। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो, तान्या, 24 घंटे के अंदर मैंने तुम्हें यह शहर छोड़कर जाने के लिए कहा था। 24 घंटे मैंने कहा था कि 24 घंटों के बाद तुम इस शहर में दिखनी नहीं चाहिए। वो 24 घंटे गुजर चुके हैं और तुम अभी तक यहीं हो। अब मेरे आदमी तुम्हारे घर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा देखना। तुम कोलकाता के राय खानदान के केदार राय से पंगा लिया है तुमने।
जिसे तुमने चैलेंज किया है ना, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। बर्बाद करके रहेगा तुम्हें तानिया। किसी घाट की नहीं रहोगी तुम, कहीं की नहीं रहोगी। तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ी है। हेलो केदार राय, आपके भेजे गुंडे मेरे घर में घुस तक नहीं पाए। भाड़े के गुंडे भेजकर एक अकेली लड़की को शहर से बाहर निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे घर में घुस नहीं पाए आपके भेजे गुंडे। नहीं मरी मैं, अभी भी जिंदा हूं। और मुझे किसने बचाया मालूम है? किसने, किसने बचाया है तुम्हें? बाद में बताऊंगी। किसने बचाया है बोलो? किस, हेलो हेलो, कौन हो सकता है? किसने बचाया होगा तानिया को? किसने? कहां गई थी जमुना? वो पापा, मैं जरा काम से गई थी। ओ, तो गाड़ी लेकर क्यों नहीं गई? दरअसल पापा, वो छोटे मालिक गाड़ी लेकर आर्या और रॉकी को आर्या के घर छोड़ने गए हैं। अरे बाबा, ये क्या बात हुई? हम लोगों के पास क्या एक ही गाड़ी है? और भी गाड़ियां हैं और ड्राइवर भी तो हैं। नहीं, आज ड्राइवर नहीं आया। ओह, तो फिर चाचा जी को बता देती। और फिर संजय भी तो था घर में, संजय से कहती, वो ही ले जाता बाहर। नहीं पापा, पापा अच्छा पापा, आप बैठिए ना, मैं जाकर आपका खाना परोस कर लाती हूँ। आप बैठिए ना यहाँ। गई कहाँ थी ये तुमने बताया नहीं। पापा, मैं कुछ काम से बाहर गई थी। कौन सा काम था? ये सब मत पूछिए ना पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आप बैठिए ना, मैं आपका खाना परोस कर लाती हूँ। कहाँ गई थी ये नहीं बता सकती। तुम मेरी बात को इग्नोर कर रही हो जमुना। ये क्या कह रहे हैं पापा, मैं आपकी बात को इग्नोर करूंगी? ऐसा हो सकता है क्या? आप मेरे ससुर जी हैं, मेरे पिता समान हैं। मैंने कभी भी आपको अपने अपने पिता से कम नहीं समझा है। मुझे गर्व है कि आप मेरे ससुर जी हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बातों को इग्नोर कर रही हूँ। पापा, ऐसा नहीं है पापा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। तो फिर बताओ क्या काम था। ठीक है, मैं बताऊंगी, पर उससे पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए पापा। जिस जवाब के लिए मैंने इतने दिनों तक इंतजार किया है। कौन सी बात? यही कि तानिया कौन है, तानिया के साथ आपका आपका क्या रिश्ता है, आप दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से इतनी इतनी नफरत करते हैं, इतना गुस्सा भरा हुआ है? बताइए ना पापा, बताइए ना। जमुना बस करो, अब बस चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। तो क्या मैं भी ये समझूं पापा कि आप मेरी बात को इग्नोर कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? तान्या को कोई भी नहीं बचा पाएगा। उसे मैंने कोलकाता शहर छोड़कर जाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, पर वो नहीं गई। इसका नतीजा तो अब तान्या को भुगतना ही होगा, भुगतना ही पड़ेगा उसे। पापा, पापा सुनिए, पापा, पापा, हे भगवान,
पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना गुस्सा क्यों है? किस बात से इतनी नफरत? आखिर उस तानिया के साथ पापा का रिश्ता क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इन दोनों के बीच आखिर क्या परेशानी है? इनमें से कोई भी कुछ नहीं बता रहा, कोई मुंह नहीं खोल रहा, यहाँ तक कि पापा भी कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं। हेलो, आर्या बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ, भगवान की पूजा कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ, दिया जला रही हूँ। अच्छा ठीक है, कर लो। बस कुछ ही दिन का खेल है, उसके बाद उस जगह पर मेरा हक होगा। क्यों? मतलब तुम्हारा हक किस तरह हो गया? ये मुझसे पूछ रही हो? वैसे तुम्हारे फोन पर एक फोटो भेजी है मैंने। वैसे ये फोटो मैंने किसी और को भी भेजी है जमुना, वो शायद तुम्हें ये फोटो दिखाने में हिचकिचा रहा होगा, इसीलिए सोचा वो तस्वीर मैं खुद ही तुम्हें भेज दूं। कैसी तस्वीर? अरे बाबा फोन खोलकर देख लो ना। हेलो। हाँ जमुना, देख ली तुम्हारे पति के साथ मेरी नजदीकियाँ? हम दोनों कितने करीब हैं। एक्चुअली संगीत ना तुम्हारे सामने कुछ और तुम्हारे पीछे कुछ और है। आफ्टर ऑल है तो मर्द ही ना, वो शादी भी निभा रहा है और प्यार भी। आर्या ये तस्वीर देखकर ना एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि असली तस्वीर नहीं है, ये सब झूठ है। और फिर मैं तो उनकी पत्नी हूँ, मैं संगीत राय की पत्नी जमुना राय हूँ, और तुम ये बात भूल जाती हो। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ आर्या, तुम तो खुद ही रॉकी से शादी करके उनकी बीवी होने के बावजूद अपने जेठ पर जबरदस्ती चढ़ रही हो। मैं सोच भी नहीं पा रही तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, लेकिन ये मेरी ही गलती है, ऐसा सोच ना पाना भी मेरी गलती है। तुम्हारा कैरेक्टर जैसा है उसका अगर सर्टिफिकेट बनाया जाए ना तो पेन की इंक कम पड़ जाएगी। हाँ आर्या, दुनिया की इंक कम पड़ जाएगी। जितनी भी बुरी आदतें हो सकती हैं, वो सब कुछ तुम्हारे सर्टिफिकेट को सजाने में लिखी जाएंगी। जमुना आवाज नीचे करो। आर्या मुझ पर चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, अपना मान अपना सम्मान अपने आप रखना सीखो। ये सब तुम अब तक ठीक से नहीं सीख पाई, पर भूलना मत कि तुम इस घर की बहू हो, और ये ऐसा वैसा घर नहीं है, तुम राय खानदान की बहू हो, केदार राय के परिवार की बहू। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, तुम्हारी बहुत जिम्मेदारियां हैं, अब उन सभी का पालन करना सीखो। अब अपना व्यवहार सुधारो और अपना चरित्र ठीक करो। और हाँ आर्या, ये सब झूठ मूठ की तस्वीरें बनाकर मुझे भेजने का फायदा नहीं, मेरा यकीन करो कोई फायदा नहीं, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं, स्वर्ग की अप्सरा मेनका और उर्वशी भी खुदा कर कहेंगी, तब भी मैं विश्वास नहीं करूंगी कि उनके साथ मेरे पति का कोई रिश्ता है या नजदीकियां हैं। मैं विश्वास नहीं करूंगी क्योंकि मेरे छोटे मालिक सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। इस जन्म में, इस जिंदगी में छोटे मालिक सिर्फ मेरे हैं और किसी के भी नहीं। और हाँ, अपना सारा कार्यक्रम निपटाकर जल्दी से घर आ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करनी है। तुम ना बहुत ढीठ हो। हाँ आर्या, तुम हद से ज्यादा ठीठ हो। अच्छा पागल घोड़ा देखा है? हर कोई पागल घोड़े को लगाम नहीं दे पाता, लेकिन मैं ना उस पागल घोड़े को दबोच कर उसकी नाक में नकेल कसूंगी। बस जमुना, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ इतनी हिम्मत, एक ढोली की बेटी होकर तुम? हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक ढोली की बेटी हूँ। अच्छा लगाम को दूर रखते हैं और नकेल को भी। हाँ एक काम करते हैं, वो जो मेरे ढोल की डंडियां है ना, उन डंडियों से तुम्हारी मोटी चमड़ी की बहुत धुलाई करूंगी, दनादन दनादन इतना मारूंगी
कि तुम्हारी जिस चमड़ी में बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है ना, वो छिल जाएगी। समझ में आया? अब तुम वापस घर आओ, फिर दिखाऊंगी मैं टेढ़ों को कैसे सीधा करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, ये तुमने ठीक नहीं किया जमुना। हाँ, तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई। अरे आप जल्दी वापस लौट आए। आ तो नहीं आऊंगा क्या? उसकी जैसी खतरनाक प्रजाति की लड़की के साथ वहीं रुकता क्या? प्रजाति? कौन सी प्रजाति? और कौन, आर्या? इतनी खतरनाक लड़की है ना वो, इस राय खानदान के पक्का बुरे दिन आने वाले हैं, ये मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ जमुना। वैसे आज मेरा आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया है, और इसके साथ बढ़ा है क्या? मेरा प्यार। एक बार मन किया तुम्हें बुला लूं। जब तुम आर्या से बात कर रही थी ना, तब तुम्हारे एक एक शब्द में तुम्हारा विश्वास ऐसे झलक रहा था कि मैं भावुक होता जा रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझ पर इतना भरोसा कर दिया। छोटे मालिक, भरोसा आता है प्यार से। आप जब मेरी तरफ देखकर प्यार की बातें करते हैं, चाहे जैसे भी बात करते हैं, तब मैं आपकी हर एक बात सुनती हूँ। मेरी आंखें दिखती हैं आपकी आंखों में। देखकर लगता है कि हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, आपकी आंखों में सब साफ साफ दिख जाता है। मैं तो बस आपकी तरफ देखती रह जाती हूँ और सोचती हूँ कि आपकी इन दो आंखों में मेरे लिए बेइंतहा मोहब्बत है, हद से ज्यादा प्यार है। आपके इस प्यार की छांव के तले ही तो मेरा आपके लिए प्यार परवान चढ़ पाया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पाना चाहती हूँ। क्या? आपको, आने वाले बाकी 6 जन्मों में भी। 6 जन्म ही क्यों? तुम जितने भी जन्म चाहो, उन सभी जन्मों में हम दोनों साथ होंगे। मैं बस तुम्हारा ही हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जमुना। आई लव यू माई डार्लिंग, आई लव यू। हाँ, काम की बात पे आते हैं। मैंने तुम्हारा गाना सुना था, क्या कमाल का गाती हो, बहुत सुंदर जमुना। आई एम श्योर तुम्हारी ये आवाज, तुम्हारी ये रिदम सेंस, तुम्हारा ये कंपोजिशन पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री में सेंसेशन पैदा कर देगी, देख लेना तुम। तुम ना बस अपने म्यूजिक पर फोकस करो, तुम दिखा दो उन सभी लोगों को कि जिस लड़की ने जिंदगी भर ढोली की बेटी सुनकर दुख सहे, दर्द सहे, सब कुछ झेलते हुए भी अपने सपने पूरे कर सकती है, कि जब अपने हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर खड़ी होगी, तब उसी समय एक नया इतिहास रचेगी। हेलो, इतनी जल्दी? ओके ओके। क्या हुआ जमुना? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है जमुना, बस कुछ ही दिनों में तुम्हारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। वहीं से फोन आया था जमुना, उसके बाद तुम्हारी सीडी रिलीज होगी और वो गाने टीवी चैनल्स पर भी दिखाए जाएंगे, लेकिन समय बहुत कम है, तुम्हें अब दिखा देना है, सभी को दिखा देना है कि तुम क्या हो। मैं करूंगी। हाँ छोटे मालिक, जब तक आप मेरे साथ हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्यार जो करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू जमुना। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ।
क्या बात है, तुम जल्दी लौट आई? रॉकी कहाँ है? रॉकी आ रहा है, वो गाड़ी पार्क करने गया है। तुम तो वहाँ 2 दिन रहने वाली थी, आज ही कैसे वापस आ गई? मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था, मैं आप सभी को बहुत मिस कर रही थी। वहाँ घर पर तो सिर्फ माँ और पापा है ना, और यहाँ तो पूरा परिवार है। यहाँ सभी के साथ एंजॉय करूंगी और समय बिताऊंगी तो गृहस्थी भी संभल जाएगी। और माँ ने भी कहा कि यहाँ रुक कर क्या करोगी, इसीलिए वहीं लौट जाओ, तो फिर मैं चली आई। अरे बाप रे, भूत जपे राम का नाम? क्यों? नहीं, मेरा मतलब कि तुम यहाँ रहकर अपनी गृहस्थी संभालना चाहती हो, ये बात सुनकर हाँ मैं शौक तो जरूर हुई हूँ। इसमें शौक होने वाली क्या बात है? और आपको क्या लगता है, आप अकेले ही गृहस्थी संभाल सकती हैं? आप अकेले ही सबके साथ मिलजुल कर रह सकती हैं, प्यार से रहती हैं, खुश रह सकती हैं, आप अकेले ही ये सब कर सकती हैं? हाँ, वो सब कुछ कर सकती हैं। खाना बना सकती है, घर संभाल सकती है, घर में कोई बीमार पड़े तो उसकी सेवा कर सकती है, घर परिवार में किस किस चीज की जरूरत है उन सभी जरूरतों पर भी ध्यान दे सकती है। खाना बनेगा, कब बर्तन धुलेंगे, कपड़े धोए जाएंगे, सब चीजों पर बखूबी ध्यान दे सकती है। इसके अलावा अपने पति का अच्छे से ख्याल रखना, और मेरा यकीन मानो आर्या, ये सब ना घर में केवल माँ ही अच्छे से कर सकती है, तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। गीत, जब देखो तब मेरे बारे में नेगेटिव बातें करती रहती हो। तुम्हारे अंदर कुछ पॉजिटिव है ही नहीं आर्या, और मैं तो तुमसे बार बार कह रही हूँ कि तुम्हारी और रॉकी भाई की शादी को लेकर मेरे मन में हजारों सवाल हैं। तुमने यूं अचानक रॉकी भाई से शादी कर ली और उसके बाद अचानक से इस घर में चली आई, और बस इतना ही नहीं, उसके बाद तुम एक के बाद एक सारे तमाशे जो कर रही हो, उसकी वजह से भी तुम्हारे लिए कुछ भी पॉजिटिव सोच पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं आ रहा। देखिए, देखिए जरा, आपके सामने खड़ी होकर आपकी बेटी मुझसे कैसे बात कर रही है। देखिए, अपने कानों से सुनिए, वो तो इस घर की बेटी है, दूसरे घर की बहू है, इस घर की बहू तो मैं हूँ। वो औदा तक मुझे नहीं मिला, जरा सी भी इज्जत नहीं करती मेरी तुम। मैं यहाँ भागकर थोड़ी आई हूँ। नहीं, तुम भागकर नहीं आई हो आर्या, पर सही तरीके से तो तुम इस घर में फिर भी नहीं आई। गीत, ये सब क्या कह रही हो, रहने भी दो, चुप हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, रहने क्यों दे, क्यों रहने दे, बोलो गीत, बोलो कि मेरी क्या क्षमता है, बोलो। वही तो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है ये। तुम सब कुछ प्लान करके इस घर में आई हो, किसी भी पल तुम इस घर की शांति भंग करोगी, किसी भी पल तुम जमुना भाभी को नुकसान पहुंचाओगी। गीत, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे धमकाने की कोशिश मत किया करो, कोई फायदा नहीं है। मैं जमुना भाभी नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी बदतमीजियों को बर्दाश्त करे। जमुना भाभी, ये सुनकर मेरे कान ना पक गए हैं। अभी से कानों को मत पकने दो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितने दिन तुम इस घर में हो उतने दिन वो नाम सुनना ही पड़ेगा ना। मेरे बाद इस घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां जमुना की ही हैं, वो ही इस घर को चलाएगी, तुम भी नहीं और दूसरा कोई नहीं। रुकिए रुकिए बड़ी भाभी, एक मिनट रुकिए, आप क्या कहना चाहती हैं जरा समझाइए। नहीं, आप क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर गुलाम हैं? हाँ, आप हमें अब ये समझा रही हैं कि इतने दिनों तक इस घर में आपने जो दखल दी है, ठीक उसी तरह इस घर में जमुना भी दखल देगी, यही सोचा है ना आपने? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा रागिनी, गलत कह रही हो तुम, बल्कि मैंने इस घर में सबको जोड़ कर रखा है, एक छत के नीचे, एक घर के अंदर, सभी को साथ रखकर उनकी देखभाल की है। यहाँ तक कि इस घर की बेटी, दामाद, सभी को इस घर में प्यार से रखा है, किसी को जाने तक नहीं दिया। ओ, ताने दे रही है मुझे, बताइए, मुझे सुना रही है बड़ी भाभी, मुझे सुना रही है, चोट कैसे पहुंचाती बड़ी बुआ? माँ ने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। अब तुम तो चुप ही रहो, बहुत हो गया। दरअसल मैं इस घर में रहती हूँ ना, मैं यहाँ रहती हूँ, आपके पैसों का खाती हूँ, क्योंकि हम लोग तो निर्भर हैं। हम लोग आपके टुकड़ों पर पलते हैं, यही कहना चाहती है ना? रागिनी,
जो मन में आता है बोल देती हो। मैंने कभी तुमसे ऐसे कुछ कहा है क्या? क्या घर में किसी ने तुमसे ऐसे कुछ कहा? बोलते हैं बड़ी भाभी, बोलते हैं हर समय बोलते हैं सब। क्या हो रहा है ये सब? इतनी रात में ये लड़ाई झगड़ा किस लिए? खाने के लिए सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। चलो सभी। ये क्या आ रहा? इतनी रात में तुम इस कमरे में? हाँ, दरअसल वहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आप सभी की याद आ रही थी इसलिए मैं चली आई। आर्या, आर्या इतनी सफाई तुम क्यों दे रही हो? ये सब बातें लोगों को बोलकर कोई फायदा नहीं है। एक बात तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? इस घर में लोग बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत ही ज्यादा रूड हैं। इनके मन में ना बहुत मैल है। हाँ, अमृत भी इसे साफ नहीं कर पाएगा। और उसके अलावा ये लोग तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। चाहे तुम जो भी कहो, चाहे जो कुछ भी कर लो, इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये सब बातें रहने दो और चलो मेरे साथ चलो। और हाँ, मैं और आर्या खाने जा रहे हैं। आखिर बात क्या है रागिनी? क्यों बड़े भैया? नहीं, तुम ही कह रही हो कि तुम खाने जा रही हो, तुम और वो। यहाँ तुम्हारी भाभी कह रही है कि सभी मिलकर खाना खाने बैठते हैं। और नहीं तो क्या, पहले इस घर के सभी आदमी खाते हैं, उसके बाद ही हम सब औरतें खाना खाने बैठती हैं। इसलिए तुम और आर्या अभी खाना नहीं खा सकते। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आर्या इस घर की नई बहू है, तो अगर आज वो थोड़ा पहले खा भी लेगी तो कौन सा तूफान आ जाएगा? कोई तूफान नहीं आएगा, इस बात से बस मुझे दिक्कत है। क्योंकि घर में फूफा जी भूखे हैं, चाचा जी ने नहीं खाया, यहाँ तक कि पापा ने भी नहीं खाया, भाई ने भी नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया अब तक, तो ये अचानक भूखों की तरह पहले जाकर खा लेगी? भूख कहो या जो भी कहो, पर सच तो ये है कि इस घर में आदमियों को ही अच्छा खाना मिलता है। ये सब क्या बोल रही हो तुम? सच ही तो कह रही हूँ मैं। घर के मुखिया है तो ससुर जी पहले खाना खाएंगे, उनका बेटा है इसलिए संगीत साथ खाएगा, और मिठाई चाचा जी खाएंगे। हद है आर्या, सीरियसली तुम इतनी छोटी सोच रखती हो? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बकवास करते हुए? इस तरह की बातें वो भी मेरे सामने? छी, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इस घर की बहू इस तरह की गिरी हुई बातें कर सकती है। अरे बड़े भैया, आप इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? और उसने तो ठीक कहा, ये तो फैक्ट है। इस घर में तो इस घर के लड़के हमेशा एंजॉय करते हैं, बेस्ट चीजें लड़कों को दी जाती है और वो एंजॉय करते हैं, और लड़कियां, इस घर की लड़कियां बस उपेक्षा में रह जाती हैं। जो मिल जाता है वही खा लेती हैं, और मैंने तो इनफैक्ट बड़ी भाभी को बहुत बार देखा है, वो आपकी थाली का बचा कुचा झूठा खाना खाते वक्त। रागिनी, मैं अगर इनकी झूठी थाली से खाती हूँ तो अपनी खुशी से खाती हूँ। तुम्हारे भैया जो कुछ नहीं खाते, मैं बस वही खाती हूँ। मेरे पति के थाली से खाती हूँ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। ये हर इंसान की अपनी अपनी इच्छा और सोच पर डिपेंड करता है। तुम बीच में अपनी नाक क्यों घुसा रही हो? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भैया ने मुझसे कभी नहीं कहा उनका झूठा खाने के लिए। और वैसे भी राय परिवार की ऐसी हालत नहीं आई है कि लोगों का बचा कुचा खाकर अपना पेट भरे। आप चाहे जो भी कह लें, लेकिन मैं रॉकी की थाली से बचा कुचा खाना नहीं खाऊंगी। तो फिर किसकी थाली का खा सकती हो तुम? क्या
क्या कहा फिर से कहो। क्या नहीं एक मिनट रुको गीत, तुम आर्या के साथ इस तरह से क्यों बात कर रही हो बताओ? उससे सवाल जवाब क्यों कर रही हो? वो क्या कोई अपराधी है? सुनो इस बात का ध्यान रखना कि वो राय परिवार की बहू है, उसका भी सम्मान है। और तुम तो अब बाहर वाली हो। हाँ तुम इस घर में कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक बाहर वाली हो, इसीलिए उसके साथ इस तरह से बात बिल्कुल मत करना। मैं बाहर वाली नहीं हूँ बड़ी बुआ, मैं इस घर की बेटी हूँ। हाँ तुम इस घर की बेटी हो मैं मानती हूँ, लेकिन दूसरे घर की बहू तो हो। बस अब चुप करो तुम सब, चुप रहो, मेरे सामने इस तरह से लड़ाई झगड़ा मत करो। ये क्या आप लोग खाना खाने नहीं है? बहुत रात हो गई है, मैंने सारी तैयारियां कर दी, खाना परोस दिया, अब चलिए चलिए पापा खाना खा लीजिए। संगीत कहाँ है जमुना? माँ छोटे मालिक कपड़े बदलने गए हुए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। आर्या मैंने खाना परोसते वक्त यहाँ की सारी बातें सुन ली थी, तुम डरो मत, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम तो इस घर की नई बहू हो। तुम एक काम करो, सबसे पहले खाने के लिए बैठ जाओ, और तुम्हारी थाली मैंने अपने हाथों से बड़े प्यार से सजाई है, और मिठाइयाँ भी तुम्हारी पसंद की दी जाएंगी। और रही बात तुम्हारे पहले खाने की, तो मैं यह सबको जानती हूँ, जैसे चाचा जी ने कहा कि उनकी उम्र हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें, तो वो सबसे पहले खाते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, यहाँ किसी को भी तुम्हारे खाने से तकलीफ नहीं है। और तुम्हें पता है आर्या कि मेरे ससुर जी क्या खाना खाते हैं? मेरे ससुर जी खाने में लेते हैं सूप, थोड़ी सब्जी और रोटी, और अगर ज्यादा मन किया तो थोड़ा सलाद लेते हैं, बस इतना ही खाते हैं वो। इसलिए कभी भी किसी भी दिन मेरी सासू माँ पर इल्जाम लगाते हुए बात मत करना। क्योंकि बात यह है कि वो क्या खाते हैं ये भी मैं जानती हूँ, सबसे आखिर में सबके खा लेने के बाद उनके साथ मैं खाती हूँ। पता है आर्या, घर की औरतें ना अन्नपूर्णा होती हैं, और मैंने घर संसार चलाना अपनी माँ से ही सीखा है, अपनी सासू माँ से। मैंने सैक्रिफाइस करना सीखा ही नहीं है जमुना, मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ, बहुत लाड से पली हूँ, जब जब जो भी चाहा सब मिला है मुझे, और अब मैं इस घर की बहू हूँ, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मिस्टर केदार राय और मिसेस अनुराधा राय मुझे उसी लाड से रखेंगे। मैं जब भी जो भी खाना चाहूंगी वो मुझे खाने दिया जाएगा, और मैं इस घर में जैसे भी रहना चाहूंगी मुझे आराम से रहने दिया जाएगा। मैं यहाँ पर कोई गुलाम नहीं हूँ जो मुझे कैदी की तरह टॉर्चर किया जाए। आर्या अपनी हद में रहकर बात करो। मैं पूरी तरह से हद में ही बात कर रही हूँ जमुना। नहीं नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम अब हद पार कर रही हो। तुम जिस तरह से बात कर रही हो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ससुर जी और सासू माँ पर तुम धौंस जमा रही हो। इनके साथ कभी भी इस तरह से बिल्कुल बात मत करना, ये बात याद रखना। बहुत रात हो गई है, जाओ फ्रेश होकर आओ और खाने के लिए बैठो। मैं ऐसे ही खाने के लिए बैठूंगी। तुम्हारी हर बात नहीं मान सकते, तुम इस तरह खाने नहीं जा सकते, क्योंकि फ्रेश ना होकर, घर के साफ सुथरे कपड़े ना पहनकर, बाहर के कपड़े पहनकर हमारे डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं बैठ सकता, इसलिए तुम भी नहीं बैठोगी। जाओ फ्रेश होकर आओ। ठीक है जाती हूँ। भैया भैया इन सब का क्या मतलब हुआ? इस घर में अब केवल जमुना का कहा हुआ ही मानना पड़ेगा, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ नहीं होगा, नहीं है वैल्यू। अनुराधा ने जमुना को इस घर के हिसाब से अपने हाथों से तैयार किया है। हाँ मैं जानता हूं कि सिर्फ जमुना ही इस परिवार को चला पाने में सक्षम है।
मेरी इस बात को दिमाग में बैठा लो रागी, और अनुराधा इन लोगों की बातों को तुम दिल पर मत लो, प्लीज तुम बुरा मत मानो। चलो चलते हैं, साथ में खाना खाते हैं। अच्छा गीत, एक बात बतानी थी, तुम एक बार अपने ससुराल में फोन करके बात कर लो, तुम्हारे ताऊ ससुर जी का फोन आया था, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, एक बार फोन कर लेना। अच्छा ठीक है जमुना भाभी, मैं कर लेती हूँ। हेलो। हाँ मैं गीत बोल रही हूँ। ओ बहुरानी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। और मॉम्स कैसी है? तुम्हारी सासू माँ? जी हाँ वो भी अच्छी है। अच्छा और पॉप्स क्या कर रहे हैं? पॉप्स? अरे वो तो अपने बगीचे के नींबुओं के साथ हैं। सच? हाँ खुशबूदार नींबू निकले हैं, अच्छे नींबू हुए बहुरानी, और वो तो उन नींबुओं को लेकर ऐसे घूम रहा है जैसे लगता है कि उसने ही न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार किया है। ऐसे उन नींबुओं को संभाल कर रखा है ना जैसे लगता है कि कोहिनूर हीरा मिल गया हो, और गर्व से चौड़ा होकर कह रहा है मैंने उगाया है, मैंने उगाया है, मेरी उपज है। तो अब उन्हें एहसास हुआ कि नींबू उगाने में भी खुशियाँ हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि हमारी बुढ़ी बुआ जी कैसी है? गीत, बुआ जी को बुढ़ी? बहुरानी मैं क्या कह रहा था, बुआ जी ना बुजुर्ग है, वो भगवान के साथ ही व्यस्त रहती है, वो तो हमेशा भगवान का नाम ही जपती रहती है। और आप? मैं अपनी बात अब क्या बताऊं बहुरानी, क्योंकि बेटा अब ये घर तो रहा नहीं, हॉस्टल हो गया, मतलब ट्रेनिंग सेंटर है। हम सब लर्नर हैं और तुम हो हम सब की मेंटर। मानते हैं ना? और नहीं तो क्या। जानती हो बहुरानी, अब तो हम सब अपने आप ही घर के सारे काम बढ़िया तरीके से कर देते हैं। हाँ आप ध्यान रखिएगा कि घर पर फिजूल में ही कोई काम करने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए हायर ना किया जाए, क्योंकि इतने सालों से हाथों पर हाथ रखकर सबको हुक्म देकर काम करवाने की आदत रही है ना, तो अब ध्यान रखिएगा कि सब लोग घर के काम बिना किसी की मदद से अपने आप निपटा दें। हाँ बहुरानी सही कहा, इससे सेहत भी अच्छी रहेगी। अच्छा बहुरानी तुम्हारी वो जमुना भाभी कैसी है? जमुना भाभी भी बिल्कुल ठीक है। आपको पता है ताऊ जी, उनको ना एक बहुत बड़ा मौका मिला है। कैसा मौका बहुरानी? उन्हें म्यूजिक कंपोज करने का मौका मिला है। देखिएगा वो ऐसा जबरदस्त म्यूजिक कंपोज करेंगी ना कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा। जमुना भाभी हम सबका अभिमान है, हमें गर्व है उन पर। हाँ बेटा वो तो है। हरी नाम सुनाई दे रहा है ताऊ? हाँ वो बुआ जी। अच्छा बहुरानी एक बात कहूँ, तुम्हारे यहाँ ना रहने से ना ये घर द्वार बिल्कुल सूना सा लगता है। सच्ची? हाँ बिल्कुल। मुझे तो लगा कि आप सब सोचते होंगे कि बला टली तो यहाँ शांति है। जी 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 बहुरानी, ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा नहीं। अच्छा बहुरानी तुम फिर कब तक लौट रही हो? मैं देखती हूँ, शायद एक बार आऊंगी कल आपसे मिलने, फिर वापस आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा जरूर आना। ठीक है बहुरानी, तो फिर अब मैं रखूं? हाँ ताऊ जी रखिए। हाँ